भारत ने ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीत लिया और 6 विकेट की बड़ी जीत दर्ज की, और इसमें विराट कोहली और केएल राहुल का प्रदर्शन जो है वो शानदार रहा। जीत के बाद क्या हुआ वो आपको आज मैं बताने जा रहा हूं कि जीत के बाद पवेलियन पहुंचने के बाद वहां क्या कुछ हुआ उसकी दास्तान आपको सुनाऊंगा। लेकिन बता दूं कि उस कड़ी में मतलब पवेलियन में जो है विराट कोहली को गोल्ड मेडल मिला। क्यों मिला ये मेडल ये भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि विराट को तो गोल्ड मेडल मिला, इसके बाद आथिया शेट्टी जो कि केएल राहुल की पत्नी है उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया और क्या अपलोड किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत की ऑस्ट्रेलिया पर धमाकेदार जीत हुई विश्व कप के अपने पहले मैच में, और उसके बाद जब टीम पवेलियन पहुंची तो एक नई चीज देखने को मिली, और वो नई चीज क्या थी कि इस बार जो सपोर्ट स्टाफ हैं उन्होंने तय किया है कि फील्डिंग में जो अच्छा करेगा उसे वो गोल्ड मेडल देंगे, मेडल देकर सम्मानित करेंगे। तो जो फील्डिंग कोच है भारत के दिलीप, वो आते हैं और वो बातों को आगे बढ़ाते हुए वहां पर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की फील्डिंग की काफी तारीफ करते हैं कि दोनों ने जबरदस्त फील्डिंग की, लेकिन जब पुरस्कार देने की बारी आती है तो वो बेस्ट फील्डर के रूप में विराट कोहली का नाम लेते हैं। विराट कोहली, जैसा कि आपने देखा होगा मैच में कि मिचेल मार्श का शानदार कैच लपका था बुमराह की गेंद पर बाई ओर गोता लगा कर, और जब उन्होंने कैच लपका था तो वो बिल्कुल हवा में थे, और फिर गिरने के बाद जो है उन्होंने गेंद को गिरने नहीं दिया, अपने हाथों में रखा और वो कैच लिया। इसके अलावा जेंपा का कैच भी उन्होंने लिया था। तो विराट कोहली को बेस्ट फील्डर का पुरस्कार क्यों दिया गया इसकी वजह बताते हुए भारत के फील्डिंग कोच ने कहा कि दरअसल विराट ने न सिर्फ अच्छे कैच लपके बल्कि दूसरों की मदद भी की, दूसरों को इंस्पायर भी किया, और इसी वजह से विराट कोहली को बेस्ट फील्डर का पुरस्कार दिया जा रहा है। और जैसे ही ये घोषणा होती है, चूंकि अभी एशियन गेम्स जो है संपन्न हुआ है तो उसका असर विराट के ऊपर दिखता है। जैसे ही पुरस्कार की घोषणा होती है वो काफी खुश होते हैं, दोनों हाथ को ऐसे करते हैं, चेयर अप करते हैं, और उसके बाद जब राहुल द्रविड़ और दिलीप जो हैं जो फील्डिंग कोच हैं वो उन्हें मेडल देने लगते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे मेडल मत दीजिए, इसे आप गले में पहनाइए, जैसे कि ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में होता है। उसके बाद जो है इन्हें गले में मेडल पहनाया जाता है विराट कोहली के, और गले में मेडल आने के बाद वो करते हैं जो ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में मेडल जीतने के बाद एथलीट करते हैं, वो मेडल को लेते हैं अपने दांतों के बीच उसे डालकर जो है वो दबाते हैं। तो ये चीजें आपने कई जो है पिक्चर देखे होंगे ऐसे कि जब एथलीट एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतते हैं तो ऐसा करते हैं। तो वही काम जो है विराट कोहली ने पवेलियन में किया, बहुत खुशनुमा माहौल था और सभी बहुत खुश थे, सभी चेयर अप कर रहे थे विराट कोहली के नाम का। जैसे ही बेस्ट फील्डर के तौर पर अनाउंसमेंट होता है सभी जो है वो तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन तालियां तो बजी केएल राहुल की बल्लेबाजी के लिए भी है। आथिया शेट्टी ने जो कि केएल राहुल की पत्नी है उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, और उस पोस्ट में केएल राहुल और विराट कोहली जो है वो दोनों दिख रहे हैं रन लेने के लिए दौड़ रहे हैं, ऊपर एक छोटा सा तिरंगा बना हुआ है, फिर एक वो आशीर्वाद जैसी मुद्रा है और फिर एक इमोजी है। तो ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और इसके बाद जो है उन्होंने राहुल ने जो सिक्सर लगाई थी विनिंग शॉट जो लगाया था उसके लिए एक वीडियो जो है वो अपलोड किया और उसके कैप्शन में लिखा बेस्ट गाय एवर, और उसके बाद जो है उन्होंने हार्ट की इमोजी बनाई। तो ये उनकी भावनाएं अपने पति केएल राहुल के लिए, लेकिन केएल राहुल तो कल सबके लिए हीरो रहे, 97 रनों की शानदार पारी खेली और भारत को 6 विकेट की जीत दिला दी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है Complete Solution Institute. यहाँ है Smart Classroom, 1-to-1 Doubt Clearing Session, Ask the Expert, Video Solution और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको Guide, बनेंगे आपके Mentor, Foundation Classes from Class 6 onwards. For your bright future, visit Complete Solution Institute.